गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका चैप्टर 7 द राइट क्लोज टू वियर। हमने कल इसका लास्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आगे का कंटिन्यू करेंगे 51 पेज नंबर 51 पर। हाउ क्लोज आर मेड, कपड़े कैसे बनते हैं। अब ये जो हम कपड़ा पहनते हैं, आप ये सोचो, जब अगर ये हमें एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं और ये हमें नेचुरल से प्राप्त हो रहे हैं, एनिमल से, प्लांट से, तो ये हम तक ऐसे इतने सुंदर सुंदर कपड़े बनकर कैसे आते हैं। या हम जो हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, स्मार्ट लगते हैं, तो वो कैसे होते हैं, कपड़े कैसे बनते हैं, अब हम ये रीड करेंगे। कॉटन थ्रेड इज वूवन इनटू क्लॉथ आइदर ऑन हैंड लूम और ऑन पावर लूम्स दैट आर रन बाय मशीन। थ्रेड मीन्स होता है धागा, कॉटन सूती कपड़ा, ये क्या होता है, वूवन इनटू क्लॉथ आइदर हैंडलूम, ये मतलब हाथों के द्वारा या हैंडलूम हथकरघों के द्वारा और पावर मशीन, जो पावर लूम्स हैं उन वो मशीन में ये कपड़े, मतलब जब हम ये कॉटन लेकर आते हैं, जूट लेलन होता है, इनको हम मशीन में चलाते हैं इनको पहले, फिर ये क्या करता है, ये दिस वूवन क्लॉथ इज़ फर्स्ट ब्लीच्ड एंड, इसको सबसे पहले वूवन को, कपड़े को क्या करते हैं, ब्लीच किया जाता है, फिर उसके बाद देन डाई इनटू डिफरेंट कलर, फिर हम जो सुंदर सुंदर कलरफुल कपड़े पहनते हैं उनको रंगा जाता है। ब्लॉक्स और मशीन्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द क्लॉथ्स, फिर ब्लॉक और मशीन के द्वारा इन कपड़ों को प्रिंट किया जाता है, जो हम प्रिंटिंग कपड़े पहनते हैं छपे हुए जो होते हैं उनको ब्लॉक्स और मशीन द्वारा छापा जाता है। फिनिशिंग इज़ गिवन टू द क्लॉथ टू मेक इट स्मूथ, फिर लास्ट में क्या होता है, इसको फिनिशिंग देने के लिए स्मूथ, मतलब बिल्कुल कपड़ा, अगर देखो कपड़ा बिल्कुल स्मूथ होगा तभी हम पहन पाएंगे, चुभने वाला कपड़ा हम पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते। उसके बाद क्या होता है, मैनुफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ ऑन लार्ज स्केल टेक्स प्लेस इन टेक्सटाइल मिल्स, फिर मैन्युफैक्चर वाले क्या करते हैं, जो ये कपड़ा बनाते हैं वो एक टेक्सटाइल मिल में इसको बड़े पैमाने पर भेजते हैं, जिससे जब ये कपड़ा बनके आता है, ये टेक्सटाइल मिल से ही हम जो टी शर्ट सूट साड़ी पहनते हैं जब उनसे ही बनकर आते हैं। पेज नंबर 52, मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ, अब क्लोथ की देख रेख हमें कैसे रखनी चाहिए, कैसे मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमें कैसे रखने चाहिए, घर पे भी हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कपड़ों को रखने के लिए। Wearing of clothes to cover our body is not enough, मतलब कपड़े पहनना ही हमारी बॉडी को ढकते हैं कपड़े पहनना ही इनफ नहीं है, बहुत नहीं है, हमें उस कपड़े की भी क्या देख रेख करनी चाहिए। We need to take care of them also, हमें इनकी take care मतलब ध्यान रखना चाहिए। ये बताओ, अगर आप एक दिन प्रेस वाले कपड़े पहनोगे, प्रेस आयरन किए हो, आप आयरन करोगे उस पर और वो कपड़े पहनोगे, और एक दिन आप बिना आयरन किए कपड़े पहनोगे, बिना मतलब गंदे कपड़े, तो कैसा लगेगा आपको, तो इसलिए हमें कपड़ों की देख रेख करनी चाहिए। हाउ वुड यू लुक इन डर्टी क्रम्पेल्ड क्लॉथ्स, अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो हम कैसे लगेंगे, इमेजिन कर सकते हो आप। वी नीड टू वॉश, हमें कपड़े धोकर एंड आयरन क्लॉथ्स सो दैट दे लुक नीट, जब हम कपड़े धोकर और प्रेस कर आयरन उस पर करके पहनते हैं तो हम बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और अच्छे दिखते हैं, क्लीन एंड लास्ट लॉन्गर, ये कपड़े हमारे साफ दिखते हैं। और वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, हम कपड़े को कैसे धोते हैं, उसको ड्राई मतलब ड्राई क्लीन वगैरह जब हम कराते हैं कैसे हमें कराना चाहिए, कौन से कपड़े कराने चाहिए, अब हम ये स्टडी करेंगे। कॉटन क्लॉथ्स कैन बी वॉश्ड विद और डिटर्जेंट बट दे नीड आयरनिंग आफ्टर ड्राइंग, हम कॉटन के कुछ कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, हम उनको घर पे ही वॉश कर सकते हैं डिटर्जेंट से, सिंपल डिटर्जेंट से कॉटन के कपड़े साफ़ हो जाते हैं और उन पे हम आयरन कर सकते हैं और ड्राई क्लीन करवाने के बाद हम उन पे आयरन करते हैं। डार्क एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ शुड बी वॉश सेपरेटली, जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं उनको हम अलग अलग करके
वॉश करते हैं, धोने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम डार्क कपड़े और लाइट कपड़ों को एक साथ धोएंगे, उनके साथ रख देंगे गीला कपड़ा, तो आप क्या होगा, लाइट कलर पे वो डार्क कलर का रंग चढ़ जाएगा। सिल्क एंड वूलन क्लोथ शुड बी वॉश्ड आइदर विद अ माइल्ड डिटर्जेंट और गिवन फॉर ड्राई क्लीन। जो सिल्क के कपड़े होते हैं जो हम शादी वगैरह में पहनते हैं, आपको पता है वो घर में भी आपके होता होगा, ड्राई क्लीन करवा के पहनते हैं, और जो वूलन के कपड़े होते हैं उनको हमें ड्राई क्लीन माइल्ड डिटर्जेंट से या फिर ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। इन ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन में क्या होता है, जब हम ड्राई क्लीन वालों को कपड़े देते हैं अपने वॉश करने के लिए, साफ़ करने के लिए, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? पेट्रोल एंड टेट्रा क्लोराइड आर यूज टू वॉश सिल्क एंड वूलन क्लॉथ। वो वूलन क्लॉथ और सिल्क को वॉश, सिल्क के कपड़ों को धोने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पेट्रोल और टेट्रा क्लोराइड का यूज़ करते हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स कैन बी वॉश विद एनी डिटर्जेंट। जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, मतलब जो मैनमेड क्लोथ्स होते हैं, उनको हम किसी भी डिटर्जेंट से वॉश कर सकते हैं। वाइट क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द सन टू गेट राइड ऑफ जम्स। हम जो कपड़ों को धूप में सुखाते हैं, जो वाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जब धूप लगती है तो क्या होता है, वो सूख जाते हैं और उनमें जो जम्स होते हैं वो मर जाते हैं। कलर क्लोथ, जो कलर वाले कपड़े होते हैं, शुड बी ड्राइड इन द शेड टू अवॉइड द फेडिंग ऑफ कलर। वो क्या करते हैं, वो धूप की रोशनी में फेड हो जाते हैं, उनके कलर क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। एयरिंग ऑफ क्लोथ शुड बी डन इन रेनी एंड विंटर सीजन। एयरिंग ऑफ क्लॉथ मतलब जब विंटर और रेनी सीजन होता है, जब उसमें हम कपड़े पहनते हैं, तो उनको हमें हवा ज़रूर लगानी चाहिए उन कपड़ों में। टेलकम पाउडर और ऑक्जेलिक एसिड शुड बी यूज टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ। कपड़ों को साफ करने के लिए हम टेलकम पाउडर या ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी होल और टीयर, अगर यदि किसी कपड़े में छेद हो जाए और फट जाए, तो इट शुड बी मेंडेड इमिडिएटली। तो हमें उसे फ़ौरन सील लेना चाहिए, और फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सिले हुए कपड़े पहनना चाहिए। स्टोरेज ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़ों को इकट्ठा करके स्टोर करके कैसे रखना चाहिए। ऑलवेज वॉश एंड ड्राई क्लॉथ प्रॉपरली बिफोर स्टोरिंग दैम। हमें कपड़ों को स्टोर रखने से पहले उसको वॉश करना चाहिए, वॉश करके सुखाना चाहिए, और आयरन भी उस पर करनी चाहिए। कीप द कवर क्लीन ऑफ इंसेक्ट। हमें अपने जहाँ भी हम अपने कपड़ों को रखते हैं, अलमारी वगैरह, अलमारी में, तो उनको भी हमें इंसेक्ट से साफ़ रखना चाहिए, उनकी प्रॉपर तरीके से एवरी वीक आपको साफ़ रखनी चाहिए अपने कबर्ड को। DDT और अदर इंसेक्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड इन द कबर्ड और बॉक्सेस टू कीप दैम फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। हमें DDT या कोई अदर इंसेक्टिसाइड जो भी स्प्रे होता है, हमें प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम अपने अलमारी में, कबर्ड में या बॉक्सेस में डालनी चाहिए, जिससे उसमें इंसेक्ट, मच्छर मक्खी ना हो। वूलन एंड सिल्क क्लोथ शुड बी स्टोर्ड आफ्टर ड्राई क्लीन एंड एयरिंग। जो वुलन क्लॉथ और सिल्क के कपड़े होते हैं, उसको हमें जब भी हम इसको स्टोर रखें, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या काम होना चाहिए, उनको ड्राई क्लीन करवानी चाहिए और हवा लगानी चाहिए, फिर जाके उनको स्टोर करना चाहिए। वी शुड यूज़ नेफिथलीन बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम मोथ और सिल्वर फिश। आपको पता है, हम जो कपड़ों में नीम की सूखी पत्तियाँ या एक गोलियाँ होती है वाइट कलर की, नेफिथलीन की गोलियाँ होती है, वो कपड़ों में रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? जिससे कपड़ों में मोथ और सिल्वर फिश ना लगे, क्योंकि ये हमारे कपड़े ख़राब कर देती हैं। रैट्स आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ों के सबसे बड़े शत्रु कौन है? रैट्स। क्या करते हैं चूहे?
कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, उनको कुतर देते हैं। दे स्पॉयल दैम बाय, इनको कपड़ों को स्पॉयल कर देते हैं उनको कुतर के। यूज़ रैट ट्रैप्स टू कीप द रैट्स अवे, हमें समय समय पर चूहे दानी जिसमें चूहे आते हैं उनको रखना चाहिए, जिससे कि अगर घर में कभी भी एंट्री कर जाते हैं चूहे तो हमारे चीज़ें वगैरह ख़राब ना करें, कपड़े ख़राब ना करें और वो प्रॉपर तरीके से सेफ़ रह सकें। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके कीवर्ड्स और लेटर्स रिमेंबर आपको करने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं डेट डालकर। आपको पिक्चर इसकी मिल जाएगी, कीवर्ड्स आपके पेज नंबर 52 पर है और पेज नंबर 53 पर आपके लेटर्स रिमेंबर है ऊपर दिए हुए हैं, और आपको ये लर्न भी करने हैं।